बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के 12 पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ ने सभी को कांग्रेस में ज्वाइन करने को लेकर यहां पे जानकारी दी। कुछ दिन पहले भी बीएसपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, बीएसपी के 12 पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस रणनीति के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली से मध्य प्रदेश लौटे हैं, ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है, बीएसपी को झटका लगा है। चलिए ठीक है, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं भोपाल से ही अगली खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किताब का विमोचन किया, मॉडल स्कूल किताब का विमोचन किया, मेधावी छात्रों को चेक का वितरण भी किया। तो भोपाल से एक खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किताब का विमोचन किया है, मॉडल स्कूल किताब का विमोचन किया, मेधावी छात्रों को चेक का वितरण भी किया। अपडेट्स के लिए जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, किताब का विमोचन किया गया इधर पे, क्या कुछ खास इसमें है? की मॉडल स्कूल की जो किताब है वो हर साल लॉन्च होती है, और इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और ऐसे में किताब का विमोचन होता है, देखिए वही स्कूल है मॉडल स्कूल, जिस स्कूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पढ़ाई कर चुके हैं। आज मुख्यमंत्री ने इस किताब का विमोचन किया, और जो मेधावी छात्र रहे हैं उन छात्रों से भी मुख्यमंत्री ने इससे बात की। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि लगातार हर एक सेक्टर को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चल रहे हैं, ये वजह है कि लगातार के साथ साथ अलग अलग गतिविधियों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहे जितेंद्र हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें मिल रही हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। मॉडल स्कूल किताब का विमोचन हुआ है, जैसा कि मेरा सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे कि हर साल होता है, और इसके साथ ही मेधावी छात्रों को यहाँ पे चेक वितरण किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किताब का विमोचन किया, इसके बाद मेधावी छात्र छात्राओं को चेक का वितरण किया। डिंडोरी से खबर, मंत्री मोहन यादव का काफिला रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस एमएलए ओमकार सिंह ने काफिले रोकने की कोशिश की, पुलिस ने ओमकार सिंह को हटाया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री मोहन यादव आए थे। मंत्री मोहन यादव का काफिला रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस एमएलए ओमकार सिंह ने काफिला रोकने की कोशिश की, पुलिस ने ओमकार सिंह को हटा दिया। हालांकि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री मोहन यादव आए थे, लेकिन कांग्रेस एमएलए ने यहाँ पे हंगामा किया है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर, कार्यक्रम के लिए मंत्री रवाना हुए, लेकिन उस दौरान उनके काफिले को रोका गया, और एमएलए, कांग्रेस के एमएलए बताए जा रहे हैं जिन्होंने रास्ता रोका। तो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री मोहन यादव पहुंचे थे, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने फिर कांग्रेस एमएलए को वहां से हटाया। लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह रही, ये अभी सामने नहीं आ पाई है कि आखिर क्यों रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस एमएलए, इनका नाम बताया जा रहा है ओमकार सिंह, जिन्होंने काफिले को रोका है, हालांकि पुलिस ने उनको हटा दिया और मंत्री कार्यक्रम में शामिल हो। तो पुलिस ने ओमकार सिंह को हटाया है, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री मोहन यादव आए थे, और उस दौरान कांग्रेस एमएलए ने हंगामा किया। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर, पुलिस ने जब उनको मौके से हटाया, दूसरी तस्वीर, इसके बाद मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। निषाद मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। निषाद, क्या ऐसी वजह रही कि एमएलए ने हंगामा किया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, डिंडोरी जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव जी का यह प्रथम नगर आगमन हुआ है, और ये लोकार्पण के कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने मंत्री विधायक ओमकार मरकाम को क्या सूचना नहीं दी थी, जिसके चलते विधायक जी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे थे, और उन्होंने काफिला रोकने की कोशिश की, जिसकी पुलिस ने जबरदस्ती उनको, विधायक जी को फिर उठाया, जबरदस्ती पकड़ा उनको। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।